लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी में लगे मतदान दल और अधिकारी कर्मचारियों के मतदान के लिए रायगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर के सृजन सभा कक्ष में मतदाता सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां सरकारी कर्मियों ने डाक मतपत्र से मतदान किया। मतदान के लिए सुविधा केंद्र और पोस्टल वोटिंग सेंटर का गठन करते हुए पहले ही मतदान कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। डिप्टी कलेक्टर और नोडल डाक मत अधिकारी महेश शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान के लिए मतदान सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसमें कर्मचारी अधिकारी आने वाले 6 मई तक यहां मतदान कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो निर्वाचन के तौर पर तैनात मतदाता हैं, जिनको डाक मतपत्र के माध्यम से जो मतदान करते हैं, उनके लिए सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है सृजन सभा कक्ष में। ये सुविधा केंद्र 26 अप्रैल से क्रियाशील है और 6 मई तक निरंतर क्रियाशील रहेगा। प्रातः 9 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ जो डाक मतपत्र हेतु आवेदित कर्मचारी हैं, वे यहाँ पर अपना मतदान कर सकेंगे। इसके लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएँ जिला निर्वाचन शाखा द्वारा संपादित कराई गई। इसके साथ ही रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए घर से ही मतदान की प्रक्रिया की जा रही है।